बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 14। अब दिखाओ इन विधा जासो समझ सब होए, भेल है सत असत सो जुदे कर देओ दोए, सो जुदे कर देओ दोए। अब दिखाओ इन विदा कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 14 के माध्यम से अक्षराती धामधनी श्री प्राण वल्लभ श्री राज जी हमें माया और ब्रह्म की पहचान करा रहे। ये जो त्रिगुणात्मक जो जगत है यहां पर माया और ब्रह्म दोनों ही है। माया सभी स्थानों पर फैली हुई है और ब्रह्म जो है अपनी सत्ता से इस सृष्टि का संचालन कर रहा है और अनंत काल तक करता रहेगा। लेकिन हम इस माया के कण कण में ब्रह्म का स्वरूप नहीं मान सकते। इस कारण से यहाँ पर सत और असत, सत्य और असत्य का यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। जैसे फ्रिज में रखा हुआ जो पानी हो उसको एक पतीले में रख करके यदि हम उसमें एक सिक्का डाल करके यदि उसको ढूंढने का प्रयास करें तो पानी और सिक्के में हम अंतर नहीं जान पाए, क्योंकि पानी में अधिक ठंडक होने के कारण से हमारे जो नस है वो सुन पड़ जाएगी और हमें ये मालूम नहीं पड़ पाएगा वो पानी ठंडा भी है या उसके अंदर कुछ मिला हुआ है। उसी प्रकार से इस सृष्टि के अंदर परब्रह्म का जो है सत्ता तो है इस सृष्टि के कण कण में, जिसके द्वारा सूर्य चंद्र नक्षत्र वायु सब यहाँ पर अपने अपने गति से चलायमान है और हम भी इस सृष्टि में ये पंचावधिक शरीर धारण किए हुए हैं, जिसके द्वारा हम इस सृष्टि में ये दृश्य अदृश्य जो पदार्थ है उसका हम भोग कर रहे हैं। इस कारण से इस सृष्टि में दोनों ही स्वरूप उपस्थित है, लेकिन हमारे लिए क्या उपयोगी है, कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, हमें उस वस्तु की पहचान करनी है। यह संसार पंच तत्व से बना हुआ है। यह पंच तत्व से बना हुआ शरीर में हमारा जो है मन है, जो सूक्ष्म रूप में हमें चलाने वाला है, और मन से भी सूक्ष्म जो है जीव है, और जीव सभी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का संचालन करने वाला है। हम दृश्य को देखते हैं या किसी शब्दों का श्रवण करते हैं या जीवा से किसी स्वादिष्ट भोजन का हम रसस्वादन करते हैं, यह सब मन के द्वारा हमें यह मालूम होता है कि यह सही है या गलत है। उसी प्रकार से इस सृष्टि के अंदर भी जो छल है, माया है, जो अज्ञानता है, हमें उसकी पहचान करनी है। हम जिस सृष्टि में भोग कर रहे हैं, हम जिस सृष्टि में अभी निवास कर रहे हैं, वह सृष्टि त्रिगुणात्मक जो तत्व है उससे बना हुआ है, जिसको हम सतगुण रजगुण तमगुण कहते हैं। इसके मिश्रण से यह सृष्टि की रचना हुई है। इस सृष्टि के अंदर छल भी है, प्रेम भी है, ज्ञान भी है, अज्ञानता भी है, मोह भी है, और हम मोह से कैसे परे हो ये ज्ञान भी हमारे पास उपलब्ध है। जैसे हम किसी बाजार घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर विभिन्न पदार्थ रखे हुए हैं, विभिन्न वस्तुओं का वहां पर सामंजस्य है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से निर्णय ले लेते हैं कि हमें सभी वस्तुओं की खरीदारी करनी है या हमारे लिए जो जीवन उपयोगी जो वस्तुएं हैं केवल हमें उसकी खरीदारी करनी है।
जब हम अपनी बुद्धि से जो हमारे लिए जीवन उपयोगी वस्तुएं है हम उसको खरीद करके ले आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस सृष्टि के अंदर भी दोनों वस्तुएं यहाँ पर है, लेकिन हमें यह पहचान करनी है कि हमें किन वस्तुओं को धारण करना है। जैसे शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि जैसे एक पीपल का पेड़ है, जब ठंड में जब शीत लहर चलती है तो पत्तों में जाकर के शीत की कुछ बूंदे जाकर के वहां पर जाकर के जम जाते हैं, और धीरे धीरे जब सूर्य उदय का समय होता है तो सूर्य की गर्मी से धीरे धीरे शीत पिघलने लगती है, और जिसका जिसका अस्तित्व वहां पर समाप्त होने की स्थिति पर होती है, उसी तरह से हमारे ये जीवन में हमारे इस सृष्टि के अंदर हमारी स्थिति भी यही है। जब वह शीत की बूंदे जमीन पर गिर जाए उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जब तक वो पत्तों पर है तब तक उसका कुछ अस्तित्व है। यदि हम उस शीत के बूंदों को यदि हम अपने आंखों पर डालेंगे तो हमारी आंख की रोशनी बढ़ेगी, यदि हम उसका सेवन करेंगे तो हमारे अंदर जो पित्त बढ़ी हुई है हम पित्त को शांत कर सकते हैं, ये आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। लेकिन जब वो अपने अस्तित्व को खो करके जमीन में विलीन हो जाए तो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारा ये मानव तन जो हमें मिला हुआ है इसकी भी स्थिति यही है, ये बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक पहुंच गया, युवा से लेकर के प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ से फिर वृद्ध अवस्था, और वृद्ध अवस्था के पश्चात यह शरीर समाप्त हो जाता है, पंच तत्व में जाकर के विलीन हो जाता है। लेकिन जो शास्त्रों के अंदर कहा गया था कि धर्मस्य युवानम्, हमें धर्म का आचरण हमें युवा अवस्था में करनी चाहिए, तभी जाकर के हम आगे उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा चिंतन जिस आधार पर रहेगा, जिस स्थिति पर हमारे चिंतन की स्थिति रहेगी, हम आगे जाकर भी वही स्थिति पर अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने महाभारत और रामायण को सुना हुआ है, दुर्योधन जानता है धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन उसने जीवन में कभी उसका पालन नहीं किया है। यदि वह चाहे कि मैं धर्म की मर्यादाओं का पालन करूं, वह चाहते हुए उसका आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन में कभी उसने किया ही नहीं है, क्योंकि उसका मन नहीं लगेगा, उसकी प्रवृत्ति उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, उसका मन नहीं मानेगा। और उसी प्रकार से यदि हमने जीवन भर कभी राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया, हमने ध्यान नहीं किया, वाणी का मंथन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, और हमने शारीरिक हो या मानसिक रूप से यदि हमने सेवा भी नहीं की है, यदि हम चाहे कि अंतिम स्थिति पर जाकर के हम राज्य का ध्यान करें, भजन करें, वाणी का चिंतन मनन करें, वो हमसे नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय हमारा मन नहीं लगेगा। मन को जब लगाना चाहिए था तब हमने मन को नहीं लगाया, जब मन अब रुकने की स्थिति पर नहीं है, यदि हम बलात् उस मन को रोकेंगे तो मन को हम नहीं रोक सकते। जैसे नहर में यदि हमने बांध बांधी हुई हो, यदि कम पानी में बांध तो बांधा जा सकता है, यदि वर्षा ऋतु में यदि हम नदी में जाकर के बांध बांधना शुरू कर दे तो कभी भी हम पानी को नहीं रोक सकते। इसीलिए यजुर्वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन कैसा होना चाहिए, सत्य संकल्प वाला होना चाहिए। जब तक हमारा मन सत्य संकल्प वाला नहीं होगा तब तक हम सत्य क्या है असत्य क्या है हम इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम अपने मन को इतना मजबूत करें कि हमारा मन उस सत्य असत्य को समझने की क्षमता रखे और हम उसकी पहचान कर पाए। जैसे संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भरसक प्रयास करता है, ये स्थिति हमने बहुत बार देख चुके हैं, आज भी ये स्थिति है और भविष्य में भी ये स्थिति चलती रहेगी। भले उससे गलतियां हुआ हो, अपनी गलती को छुपाने के लिए अपनी सारी गलतियां दूसरे के सिर पर डालने के लिए मनुष्य तत्पर रहता है, ताकि मैं दूसरे के सामने अच्छा बनूं और वो व्यक्ति सबके सामने
नीचा बने, इस भावना से कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आध्यात्म क्षेत्र में हम इस प्रकार से दृढ़बद्ध होकर के यदि हम कार्य करेंगे तो कभी भी हम उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस मंजिल को हमें प्राप्त करना चाहिए था, जो हमारे लिए सर्वाधिकार, जो हमारे लिए अधिकार था, हम उसका उपभोग नहीं कर सकते। ये मानवतन हमारे लिए मिला था, किसलिए मिला था? उपनिषद के वाणी कहती है, यह चेद वेदेन महते विनष्टि, अर्थात यदि हमने इस जन्म में ही यदि हमने उस परब्रह्म को जान लिया तो हमारा यह मानव तन धारण करना क्या है, सफल है। यदि हमने इस जीवन में मानव तन प्राप्त करने के पश्चात भी हमने ज्ञान कर्म भक्ति ध्यान सेवा तपस्या और अपने मन आदि इंद्रियों को उत्तम मार्ग पर लगाने का प्रयास नहीं किया और सबसे बड़ी उपलब्धि हमने अपने अंदर परब्रह्म को विराजमान नहीं किया तो हमारे यह अनमोल मनुष्य तन प्राप्त करना निष्फल है। निष्फल किस लिए है? क्योंकि यह तन इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि हम राज्य को प्राप्त करें, हम अपने अंदर राज्य को बिठाए। राज्य को बिठाने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा का हम किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? ताकि हम संपूर्ण दुखों से छूटे। हम अग्नि के सामने क्यों बैठेंगे सर्दियों में? ताकि हमें ठंड ना लगे। और गर्मियों में एसी पंखा में हम क्यों बैठते हैं? ताकि गर्मी हमें पीड़ित ना करे, इस कारण से। और मानव तन हमने धारण किया है, मानव तन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होनी चाहिए? संपूर्ण दुखों से मुक्ति प्राप्त करना ही ये मानव तन का परम लक्ष्य है। यदि मानव तन प्राप्त करने के पश्चात ये हमने इस उपलब्धि को प्राप्त नहीं किया, अपने हृदय को निर्मल नहीं किया, उसमें हमने युगल सर्व की शोभा श्रृंगार का हमने विराजमान नहीं किया, तो मानव तन प्राप्त करना और न करना हमारे लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता। इसलिए इस संसार में आगे कहा जा रहा है, इन खेल में जो खेल है सो कहत न आवे पार। ये संसार में जो खेल का एक चक्र चला हुआ है इस सृष्टि के अंदर, इसका कोई पार नहीं है, कोई ओर छोर नहीं है। जैसे समुद्र का ओर छोर नहीं है, कहा जाता है कि इस पृथ्वी के अंदर एक भाग में मानव सृष्टि रहती है और तीनों भाग में केवल जल है। उसी प्रकार से ये संसार में हर एक वस्तु के अंदर माया है, अज्ञानता है, और यहाँ पर सत्य तो है लेकिन सत्य जो है इस सृष्टि के अंदर ढका हुआ है। जैसे उपनिषद के अंदर कहा गया है, सत्य से अपहितम मुखम, सत्य जो है स्वर्ण से ढका हुआ है। जब हम सत्य को जानना चाहेंगे तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा? स्वर्ण को हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर सब कुछ है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हृदय के अंदर राज्य भी विराजमान है और हमारे अंदर ज्ञान का भंडार भी है, सब कुछ है। जैसे इस भूमि के अंदर सब कुछ है लेकिन उसको हम खोजेंगे तो हम कहीं से भी अमूल्य वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत सौंदर्य है और अनंत ज्ञान का भंडार है और अनंत प्रेम है, लेकिन हमारे ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है जो माया का है। जब तक हम माया रूपी आवरण को नहीं हटाएंगे तब तक अंदर जो सत्य है हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। इस कारण से वेद के अंदर ये कहा था, सत्य से अपहितम मुखम, सत्य को जो है स्वर्ण से ढका हुआ है। स्वर्ण क्या है? यहाँ पर अज्ञानता का रूप है, माया का रूप है, भ्रम का रूप है। जहां उसको हटाएंगे तो हम सत्य को अवश्य ही जान पाएंगे। इस कारण से इस सृष्टि के अंदर उस सत्य को जानने के लिए, वास्तविक सत्य की पहचान करने के लिए इस सृष्टि के अंदर बड़े बड़े ऋषि महर्षि हो गए, सबने उस परमात्मा को जानने का प्रयास किया, लेकिन सबने उस परमात्मा को निराकार तक जाके यह कह दिया कि परमात्मा निराकार है। कोई कहता है कि साकार है, कोई कहता है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, और कोई कहता है कि परमात्मा इस सृष्टि से परे है।
जिसकी जहां तक मति पहुंची उनकी वहां तक गति हुई। उसी प्रकार से यह तारतम्य वाणी हमें यह बता रही है कि यह सृष्टि के कण कण में परमात्मा का स्वरूप नहीं है, यह सत्ता है। यदि सृष्टि के कण कण में यदि परमात्मा का स्वरूप होता तो हमें यहाँ बैठकर की चर्चा, सत्संग, ध्यान, ब्रह्मवाणी, मंथन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जहां पर अग्नि है वहां पर गर्मी स्वतः रहती है। उसी प्रकार से जहां पर ब्रह्म का स्वरूप रहेगा वहां पर कभी भी अज्ञानता नहीं रह सकती, वहां कभी माया का वास नहीं हो सकता है। इसी कारण से यह मानव तन जो हमें प्राप्त हुआ है इसलिए मिला है कि हमें राज्य को प्राप्त करना है, नहीं तो मानव तन जो अमूल्य है उसको हमें कभी भी व्यर्थ में जाने नहीं देना है। ये मानव तन प्राप्त करने के पश्चात संसार में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तीर्थ, पैगंबर, विद्वान, महर्षि, फकीर बहुत हुए, लेकिन सब उस परमात्मा को नहीं पहचान पाए। लेकिन अक्षराते धामधनी कृपा से हमें इस मानव तन में ये अमूल्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जो ब्रह्म ज्ञान भगवान शिव को हिमालय में बैठ करके हजारों वर्षों तक समाधि लगाने के पश्चात भी उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, जो ज्ञान हम यहाँ पर जानते हैं, समझते हैं और हम दूसरे को बताते हैं। जब भगवान शिव को ज्ञान नहीं, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान उपलब्ध है। हम राज्य के शोभा श्रृंगार का वर्णन करके बता देते हैं और जिस सृष्टि की रचना के विषय में बड़े बड़े महर्षि वैज्ञानिक नहीं जान पाते और हम एक चौपाई कह देते हैं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहो आपावी थी। ये केवल राज्य के साथ जो हमारे जो संबंध है, जो मूल संबंध होने के कारण से हमें यह संपूर्ण लाभ यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। हमें इस लाभ को हमें जानना है, पहचानना है और हमें अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करना है। और इस सृष्टि के अंदर सब अपने आप को पंडित महान कहते हैं। पंडित का तात्पर्य क्या होता है? जो परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला को जानता हो, जो आत्मिक दृष्टि से सबको देखता हो, जो आत्म तत्व का ज्ञाता हो, उसको पंडित कहा जाता है। जो मंदिरों में जाकर घंटी बजाता हो, पूजा पाठ करता हो, उसके लिए पंडित शब्द का प्रयोग शास्त्रों के अंदर नहीं हुआ है। जो आत्म ज्ञान समारंभ स्थिति धर्म नित्यता, जो आत्म तत्व से सबको देखने वाला हो, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो और झूठ के प्रति तितिक्षा की भावना रखने वाला हो, उसको पंडित कहा गया है। तितिक्षा मतलब सुख हो या दुख हो, माया हो या हमारे अंदर कुछ इस प्रकार के दुख, मानसिक पीड़ा उत्पन्न, सबसे परे होकर के केवल धर्म का पालन करने वाला उसको पंडित कहा गया है। और साधु मतलब जो सत्य का आचरण करने वाला है उसको साधु कहा गया। लेकिन जब धीरे धीरे ज्ञान का लोप होने लगा, जब धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का लोप होने लगा, तब जाकर के यहाँ पर पंडित, साधु, सन्यासी, ये सबकी परिभाषाएं बदल गई। नहीं तो इस सबकी परिभाषाएं एक ही होती है, जो एक परमात्मा को जानने वाला हो, समझने वाला हो, उनके लिए ये एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं शास्त्रों के अंदर। इस कारण से इस संसार के अंदर माया और ब्रह्म को हमें पहचान करना है, जो मैंने पूर्व ही बता दिया। कोई करे दया दान, इस सृष्टि के अंदर क्या करते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्राणियों के प्रति दया करते हैं। दया का तात्पर्य क्या है? अहिंसा का भाव रखना, अहिंसा सर्वभूतानां। योग दर्शन के अंदर व्यास भाष्य में कहा गया है अहिंसा कैसी होनी चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को दुख न देना, किसी को पीड़ा न देना, किसी के प्रति छल न करना, किसी के लिए कटु वाणी का प्रयोग न करना, यह अहिंसा है। और हिंसा इसके विपरीत हमेशा एक दूसरे से ईर्ष्या भावना करना, छल, कपट, अन्याय, अत्याचार, ये सब इसके विपरीत परिभाषाएं होती है। इस कारण से यहाँ पर दया और दान
और गीता के अंदर भी कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनय दाति पात्रतम। इसके व्याख्या में नीतिकारों ने कहा कि जब हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है, विद्या से क्या आती है, विनम्रता, जब हमारे अंदर विनम्रता आती है, विनम्रता होता शांति, सरल स्वभाव, तब आकर के हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। जब हमें ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना हो तो हमें अपने अंदर पवित्रता की भावना लानी पड़ेगी। शरीर से भी पवित्रता की भावना होनी चाहिए और मन से और आत्मा से और जीव से भी पवित्रता की भावना होनी चाहिए, तभी जाकर के हमारे हृदय के अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। एक बार भगवान शिव ने उमा को कहा माहेश्वर तंत्र के अंदर कि हे उमा, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये बहुत दुर्लभ है, इसका श्रवण इस सृष्टि के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। इसका श्रवण वही कर सकता है जिसके हृदय के अंदर निर्मलता हो, पवित्रता हो, नहीं तो करोड़ों व्यक्तियों में ऐसे दुर्लभ मानव होंगे जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो सारी सृष्टि माया की अज्ञानता में डूबी हुई है, कोई भी उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। संसार में जो हमें माया से जो सुख प्राप्त हो रहा है, उस माया के सुख में हम इतना मस्त हो रहे हैं कि हम उससे निकलना नहीं चाहते। जैसे एक सुअर होता है, वो कीचड़ में डूबा रहता है, उसको कीचड़ में ही अपना स्वर्ग का सुख अनुभव करता है। और योग दर्शन के अंदर कहा गया है कि जैसे एक कुत्ता होता है, जब उसको भूख लगती है कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, तो वह क्या करता है, जगह जगह जाकर के भटकता है। जगह जगह जाकर के भटकने में इसको एक हड्डी मिल जाती है, हड्डी को चबाते रहता है और उसको चबाते चबाते उसके मसूड़े से जब खून निकलने शुरू हो जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि इसमें से स्वाद मिल रहा है। उसके मसूड़े फूल जाते हैं, छिल जाते हैं, उसको इतनी पीड़ा होती है, वो इतना अपने ही खून पी करके इतना स्वादिष्ट उसको भोजन मिल रहा होता है, उससे मस्त रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है। उसी प्रकार से इस सृष्टि के अंदर भी ये जो माया है उसी के समान है। जहां पर सांख्य दर्शन के अंदर कहा गया था कुत्र अपि को अपि सुखिना, इस सृष्टि में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है। सुखी क्यों नहीं है, क्योंकि माया के ब्रह्मांड में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं रह सकता। या तो शारीरिक सुख से कोई पीड़ित है, कोई मानसिक रूप से पीड़ित है, कोई आत्मिक रूप से पीड़ित है, या तो कोई दूसरे के द्वारा प्रताड़ित करने पर यहाँ पर पीड़ित है। इस कारण से इस सृष्टि में किसी न किसी से मानव पीड़ित होने के कारण से कभी भी पूर्णतया यहाँ पर सुख शांति की कामना हम नहीं कर सकते। केवल सुख शांति की कामना केवल परब्रह्म को अपने हृदय में विराजमान करने के पश्चात ही हम कामना कर सकते हैं। जैसे उपनिषद के अंदर भी कहा गया है, क्या कहा गया है, भयात अग्नि तपति, जो इस सृष्टि के अंदर जो भी प्रकाशशील जो वस्तुएं है वो सब कुछ उस परमात्मा के भय से यहाँ पर तप रहे हैं, चलायमान हो रहे हैं। इसलिए आगे कहा गया है विद्यते हृदय ग्रंथि, जब हमारे अंदर की संपूर्ण कामनाओं की समाप्ति हो जाती है, हमारे अंदर जो भी वासना है सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे हमने सुन भी रखा है, पढ़ भी रखा है, हमने जीवन में स्वयं उपभोग करके उसको देखा हुआ है। यदि हमें कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा हो, यदि हम जितना उसको खाएंगे हमारी तृष्णाएं उतना ही बढ़ती जाएगी और हमारी इंद्रियां उतनी ही प्रबल होती है और हमें और चाहना और बढ़ती है, क्योंकि इंद्रियां और बलवान हो जाती है। जैसे यज्ञ कुंड में यदि घी डाला जाए तो कभी अग्नि नहीं बुझती है और अग्नि जो है भड़क जाती है, उसी प्रकार से वासनाओं का जो है जंजाल हमारे अंदर जितने अधिक होगी और हमारी इंद्रिय उतने सशक्त होगी और हम माया के रूप में ही आकर्षित होंगे। इस कारण से योग दर्शन के अंदर कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, उसके अंदर व्यास भाष्य में यह कहा कि हम जितने जितने मात्रा में हम संसारिक बाह्य दृष्टि को हटा करके आंतरिक दृष्टि करेंगे,
जब हम अपने अंदर हम अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे तो बाहर की जो दृष्टि होगी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जैसे एक योद्धा होता है, वो अपने दृष्टि से देख करके तो युद्ध कर सकता है, लेकिन किसी अंधकार में यदि उसको युद्ध करना हो तो उसको आंख में पट्टी बांध करके भी युद्ध कला सीखनी पड़ती है। तब जाकर केवल शब्द सुन करके वो शत्रुओं के प्रहार से बच सकता है। उसी प्रकार से इस सृष्टि के अंदर ये माया का जो ये जंजाल है कहीं से भी आकर के हमें अपने बंधन में डाल सकती है। इससे हमें निकलने के लिए संपूर्ण रूप से हमें सशक्त होना चाहिए, मन इंद्रियों को हमें इतना सशक्त करना चाहिए ताकि हमारी इंद्रिया बाहर की गति को छोड़ करके आंतरिक गति में हमें ले जाए। क्योंकि यही इंद्रिया जो हमें बाहर की ओर ले जा रही है, यदि यही इंद्रियों को यदि हम बस में कर दे, यही इंद्रिय यदि हमारे अंतर गति को प्राप्त हो जाए तो हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है, क्योंकि जितने जितने इंद्रिय बाहर की ओर जाएगी हमारे दृष्टि भी बाह्य गति को प्राप्त होती है, और हमारे दृष्टि जितने जितने आंतरिक गति को प्राप्त होगी और हमारे दृष्टि भी अंतर की ओर जाएगी, तब जाकर के ये संपूर्ण बंधन छूट जाएगा। उस समय केवल ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन में यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि संसार में धन संपत्ति, घर परिवार, तो हम सब कुछ यही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो हमने आध्यात्मिक धन को प्राप्त कर लिया, जो आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, ये हमारे लिए ये शरीर छूटने के पश्चात भी ये हमारे जीवन में काम आने वाले है, तो कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि संसार में धन संपत्ति तो कोई भी चोरी करके ले जा सकता है, कोई हमें भी चोरी करके ले जा सकता है, हमारे बैंक में पड़े हुए धन को भी कोई चोरी करके ले जा सकता है, लेकिन हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, जो हमने राज्य का हमने अपने दिल में बिठा रखा है, उसको कोई चाह कर भी चोरी करके नहीं ले जा सकता है। ये अमूल्य धन है, ये खजाना है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। यदि इसका एक बूंद भी हम रस स्वादन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। क्योंकि संसार में हमने सब कुछ उपभोग करने के पश्चात भी यदि हमने उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर लिए, तो क्षण भर में यदि हमारे मन के अंदर शांति की अनुभूति हो जाए तो हम अपने आप को धन्य मान सकते हैं। हमने बीताक में सुना भैरव सेठ का प्रसंग, और जीवन भर उसने अन्याय, अत्याचार, छल, कपट करके सबको दुख दे रखा है। जब श्रीजी वहां जाकर के उसको चर्चा सुनाते हैं, एक महीने तक उसने चर्चा सुनी, फिर भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो श्रीजी ने कहा कि केवल तुम्हें 3 दिन अपने लिए प्रतिज्ञा कर लो, यदि तुम्हें परमात्मा का दर्शन न हो जाए तुम अपने माया में रहना और मैं अपने कार्य के लिए निकल जाऊंगा। यदि श्रद्धा भावना से उसने कार्य किया, उसके 3रे दिन राज्य का दर्शन हो गया। जब तक श्रद्धा भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हम कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते। श्रद्धा ऐसी वस्तु है, हमें इस संसार में रहने के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है, सांसारिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए। यदि स्कूल में जाकर के यदि भौतिक ज्ञान भी हमें प्राप्त करना हो, यदि समाज से कुछ सहायता लेनी हो, यदि हमें समाज की सुरक्षा करनी हो, तभी हमारे लिए श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है, विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से यदि हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा और विश्वास और ज्ञान और भक्ति ऐसी पंखे पक्षियों के समान जो हमें इस भवसागर से पार करा करके उस अखंड मंजिल पर हमें पहुंचाने में सहायक होंगे, जो हमें इस भवसागर से पार करा करके जन्म मरण के चक्र छुड़ा करके माया और ब्रह्म की पहचान करा करके हमें केवल माया में ही हमें क्या करेंगे, ये हमें उसमें ले जा करके डुबो देंगे। जब हम केवल ब्रह्म में ही एकीकरण हो जाएंगे, हमारा एक रूपता हो जाएगी, जब माया से हट करके हम ब्रह्म में ही डूबने लग जाएंगे, उस समय ये संसार हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा, ये तुच्छ रहेगा, रुई के समान ये संसार को हम ऐसा छोड़ देंगे जैसे हमने सब कुछ छोड़ दिया हो, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को हम ऐसे हल कर सकते हैं, हम इस प्रकार से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, जिस मंजिल को हम साधारण रूप से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं।
ये श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और समर्पण ऐसी वस्तु है जो हमें कहीं से कहीं पर हमें पहुंचाने में सक्षम है। इस कारण से इन चार वस्तुओं का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इस कारण से जीवन में हर एक पल, हर एक क्षण इन वस्तुओं का हमें, जैसे हम अपने संपत्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण मान करके उसको रखते हैं, उसी प्रकार से हमें इसको भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। इसके बिना हमारी आत्म जागृति संभव नहीं है। तब तक हम अपने आप को भी नहीं पहचान पाए। किरंदन की वाणी कहते हैं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब कौन कहेगा कि परमात्मा कैसा है, उसके धाम सर्व लीला क्या है और परमात्मा का क्या विशेष है हम कैसे बता पाएंगे, और परमात्मा की कृपा क्या है हम कैसे जानेंगे। जैसे एक स्वर्ण होता है जो उसको खदान से निकाला जाता है, उसको यदि शुद्ध करने के लिए हम उसको तपाते हैं ताकि उसका संपूर्ण मेल समाप्त हो जाए तब उसकी कीमत बढ़े, इसलिए हम उसको अग्नि पर तपाते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर भी उस सोने के समान है, इसमें हमें ब्रह्मचर्य के प्रताप से, ज्ञान, भक्ति, संयम, विवेक से हमें अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, तब जाकर के शरीर का एक मूल्य रहेगा। जब शरीर तपस्या से भर जाएगा, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा, तो माया हो या कुछ भी हमें कोई आकर्षण नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा और हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते, बिना व्यवधान के हम मंजिल को प्राप्त कर सकते। इस कारण से यहाँ पर कहा गया कि हमें माया और ब्रह्म की पहचान करनी है और हमें अपने हृदय के अंदर युगल स्वरूप की जो शोभा सिंगार है उसको विराजमान करना है। हमें सब कुछ पता है, हमें मार्ग भी पता है, मंजिल भी पता है, लेकिन एक लक्ष्य में केंद्रित होकर के, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ विश्वास और प्रेम के साथ, यदि हम उस मंजिल में, यदि हम प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, तो हम निश्चित रूप से हम अपने मंजिल को, हम अपने लक्ष्य को और हम मानव तन को हम सफल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, कोई आन नीर सभी ले, कोई करे दया दान, कोई तर्पण तीर्थ, कोई करे नित स्नान। हम अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए प्रतिदिन स्नान की आवश्यकता पड़ती है और आंतरिक पवित्रता के लिए ध्यान, विद्या ग्रहण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना आंतरिक पवित्रता नहीं हो सकती, कभी भी बुद्धि के अंदर, मन के अंदर पवित्रता नहीं आ सकती है। जो जीव जन्म मरण के चक्र में पता नहीं कितने जन्मों से भटका हुआ है, उसको यदि हमें शुद्ध करना हो, पवित्र करना हो, उसके लिए विद्या और तप की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से मानव तन को शुद्ध करने के लिए सबसे बड़ी औषधि क्या है? औषधि से हम शरीर के रोगों को दूर कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो रोग है उसको दूर करने के लिए एक ही औषधि है, श्री राज जी की भक्ति, उनका ध्यान, श्रद्धा, समर्पण, उनको पल पल अपने हृदय के अंदर विराजमान करना। इससे बड़ी औषधि संसार में कुछ भी नहीं। ये हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाले हैं, हमारे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस कारण से हमें इनको अपने हृदय से क्षण भर के लिए हमें दूर नहीं करना है। तभी तो वाणी भी कहती है, पल पल अपने मासुक को, अपने प्रियतम को अपने दिल के अंदर विराजमान करना चाहिए, ताकि माया का जो बंधन हमें प्रभावित ना कर सके। यदि घर मजबूत हो तो वर्षा या भूकंप हो या तो बाढ़ आ जाए तो हमें कभी पीड़ित नहीं कर सकते। जब तक हमारा मन दृढ़ संकल्प से युक्त हो तो माया की कितनी भी कठिनाई आ जाए हम कभी पीछे नहीं हट सकते, हम मंजिल में आगे बढ़ते ही जाएंगे और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करने में हम सक्षम होंगे। इस कारण से ये संसार एक चक्र है, इस संसार से पार होने का, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पवित्रता को, अपने संस्कारों को हम निरुद्ध करने का एक ही उपाय है कि हम अपने हृदय के अंदर युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार को विराजमान करें, अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान करें, अपने हृदय के अंदर ज्ञान और प्रेम को हम आत्मसात करें, तभी जाकर के हमारा जीवन धन्य होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।